हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्लास 11 का 2.8 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू 12 सेकेंड। तो देखो बच्चों, हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक 90 मीटर डिस्टेंस से हमने बॉल को ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना होगा फ्री फॉल में? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालो, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ तो वी स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 9.8 और डिस्टेंस कितना है 90। तो वी अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9.6 इंटू 90। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 42 मीटर पर सेकंड मेरे पास यहाँ वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 42 मीटर पर सेकंड। अब ये 42 मीटर पर सेकंड से जब यहाँ पर गिरेगा, ठीक है, तो ये वापस जाएगा। तो इसका ग्राफ भी मैं साथ के साथ ड्रॉ कर लेता हूँ, टाइम और कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल लेता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, तो v मुझे मिल चुकी है यहाँ से 42, ये ज़ीरो है। एक्सेलरेशन 9.8 है और मुझे t कैलकुलेट करनी है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 42/9.8 यानी 4.2 सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। 4.1 या 2 सेकेंड कह सकते हो, 9.8 से जब इसको करेंगे तो 4.1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो जो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है वो ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस के बीच में बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो थी, और जैसे ही वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उसकी जो वेलोसिटी है इस वाले पॉइंट पर वो हो गई 42, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि ये 1/10% लॉस कर देता है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल लेता हूँ, स्टेप टू। स्टेप वन हमारे पास पहला हो गया, तो कह रहा है कि 1/10 ऑफ इट्स स्पीड लॉस कर देता है। तो अब जो यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u1, तो वो कितनी हो जाएगी, v माइनस के v बाई 10, क्योंकि उसने लॉस कर दिया है v बाई 10। तो बचेगा कितना, 9v/10 मेरे पास बचेगा, यानी 9/10 इंटू 4.1 कर लेते हैं। तो ये जो हमें यहाँ से वेलोसिटी इसकी मिलेगी सॉल्व करने के बाद वो 37.8 मीटर पर सेकंड मिलेगी। यानी यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात कर लेता हूँ तो टाइम यहाँ पर मेरे, मैंने पहले निकाला था कितना था, अप्रोक्सीमेटली 4.1, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, 4.1 सेकेंड के अप्रोक्स मेरे पास यहाँ से टाइम निकल कर आ गया है सेकेंड में। नाउ अब जब वापस उठेगा तो टाइम तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 37.8, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर 37.8 हो गई। इससे वापस ऊपर उठेगा और फाइनली क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जैसे ही वापस उठेगा तो फाइनली क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ज़ीरो ये कितने टाइम में होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं फिर से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ स्टेप थ्री मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस के 80। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जानी है यहाँ पर जाकर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 37.8 से गया, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा तो अब ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ये, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू टी,
ठीक है, इसको मैं इधर ले आऊँगा और टी यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, तो 37.8 बाई 9.8, तो ये मुझे जो टाइम है वो मिल जाएगा 3.9 सेकेंड, 3.9 सेकेंड, यानी 4.1 तो यहाँ तक हो गया था, 3.9 और हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ का जो टाइम है 4.1 अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 8 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.1 के आसपास भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएशन आएगा 4.1 जब इसको कैलकुलेट करोगे, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4.1 ले लिया है, तो ये 8 के अप्रोक्स आ गया मेरे पास। अब यहाँ से फिर वापस नीचे आएगा वो, और यहाँ पर पहुँच गया अगेन, अब यहाँ से वो फिर वापस नीचे आएगा, जब वो फिर वापस नीचे आएगा तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो फिर से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उसी वेलोसिटी से टकराएगा ग्राउंड से। ठीक है, तो यहाँ का जो टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली 12 सेकंड का हो जाएगा। अगर हमसे टाइम ज़्यादा की बात करता तो फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आता, फिर ऐसे आ जाता, तो ये ऐसे आगे की तरफ हमारा बढ़ता रहता। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, हम ये वेलोसिटी और कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितनी वेलोसिटी में यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, तो मैं इसको स्टेप 4 दे देता हूँ, क्योंकि ये फिर से अपना 1/10 कैलकुलेट कर लेगा, तो 1/10 जब ये लॉस करेगा तो यू टू कितना हो जाएगा, अब इसकी जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया था वो कितनी थी, यू वन थी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, यू वन माइनस 1/10 यानी यू वन बाई टेंथ लॉस हो जाएगी, तो 9 U1/10 बचेगी, तो यहाँ जो यू टू मेरे पास आ जाएगी 9, U1 की वैल्यू 37.8/10, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 34 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो पॉइंट है इस पर जो वेलोसिटी होगी 34 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा।